उन्हीं के द्वारा यह योग की परंपरा स्थापित की गई। योगी तो इन सब से परे है, ना उसको वस्त्र की चिंता, ना भोजन की चिंता। योगी सन्यासी संतों के पास जो भी विरासत होती है वो अपनी नहीं होती है, किसी सीमा में नहीं बनता है, वो असीम है। योग के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मैंने करीब करीब 45 साल तक भिक्षा मांग करके खाना खाया। आप मुझे योगी कहें, मुझे कर्मयोगी कहें, और मुझे आप और कुछ भी संज्ञा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आए तब से हर तरफ चर्चा शुरू हुई, तो बीजेपी की बंपर जीत की, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए योगी आदित्यनाथ, चर्चा बदल गई, चर्चा सिर्फ उनके नाम की होने लगी। दरअसल सीएम आदित्यनाथ को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन होता है एक योगी, कैसे बनता है कोई योगी, क्या योगी बनना आसान होता है, क्या वो रास्ता आसान है? चलिए हमारे साथ आज उसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया में। सरहदों की रक्षा करते हैं सैनिक, संस्कृति की रक्षा साधु। कभी सोचा है कौन होते हैं साधु? वो जो भगवा पहने, जटाएं धरे, मोह माया से दूर रहे, या वो जो समाज को सही राह दिखाने के लिए कोई भी अवतार धारण करे? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में कभी सीएम, कभी टॉप बिजनेसमैन, तो कभी दीन दुनिया से दूर दिखने वाले योगी जिस एक सूत्र में बंधे हैं वो अनूठा है। हम आपको उसी दुनिया में लिए चलेंगे। योगियों का जीवन अद्भुत है, इनकी दिनचर्या अविश्वसनीय, इनका दायित्व अकल्पनीय। योगियों का संसार रहस्य के ऐसे आवरण से ढका रहता है जिसके बारे में कहानियों और किस्सों के जरिए ही पता चलता है। सुना है कि कभी बचपन की कठोर साधना के बाद किसी ने देवत्व को प्राप्त किया और योगी बना। कभी हमने सुना है कि किसी गुरु के कठोर प्रशिक्षण और नियमों के पालन के बाद कोई सन्यास के चरम तक पहुंचा। आज हम योगियों की दुनिया के एक एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे, उनकी कठोर साधना से लेकर दिनचर्या तक के बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ से। सत्ता के गलियारों में साध्वी और सन्यासियों की दस्तक हमेशा से रही है, लेकिन इस बार जब एक योगी ने राजपाट संभाला तो बहस और विमर्श के नए अध्याय खुल गए। ज्यादातर लोगों के लिए योगी एक उपनाम है या कोई उपाधि, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि सन्यासी से सत्ता का सफर कितना लंबा और अद्भुत है। मैथ्स पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान गढ़वाल के अजय सिंह बिष्ट 1993 में गुरु गोरक्षनाथ पर शोध करने गोरखपुर आए थे, लेकिन पीठ के महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें योग के लिए चुन लिया और 1994 में अजय सिंह बिष्ट पूर्ण रूप से सन्यास धारण करके नाथ परंपरा का हिस्सा बन गए। अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला आदित्यनाथ योगी। महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद पूरी वैदिक परंपरा के साथ योगी आदित्यनाथ महंत योगी आदित्यनाथ हो गए। उनके गुरु ने उन्हें सन्यास धारण किए होने के बावजूद धर्म और समाज की रक्षा के लिए सामाजिक होने की शिक्षा दी थी। योगी आदित्यनाथ ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस संप्रदाय के नियमों के मुताबिक किसी भी योगी को सांसारिक विलासिताओं का पूर्ण रूप से त्याग करना होता है,
इसके अलावा गले में काली ऊन का एक जनेऊ धारण करना होता है, जिसमें एक सींग की तरह का एक यंत्र होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसका परिमार्जित रूप है, लिहाजा कई पारंपरिक नियमों से उन्हें छूट है। तो क्या अगर गुरु का आशीर्वाद हो तो कोई भी योगी बन सकता है? और क्या वाकई अजय सिंह बिष्ट को योगी बनने के लिए सिर्फ महंत अवैद्यनाथ के आशीर्वाद की ही जरूरत पड़ी? हाँ सर, हमारे मन में योगियों के लिए बहुत श्रद्धा है, क्योंकि बहुत त्याग से बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है। वह अपने बचपन से ही अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और अपना घर द्वार सब छोड़ देते हैं और एक मंदिर में आके अपने साधना में लीन हो जाते हैं, ईश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं, देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो योगी का संसार से जैसे ही घर से वो निकलता है, संसार लुप्त हो जाता है, संसार से उसकी कोई दशा नहीं होती है और अपने आप ही सामने रहते ही अपने मृत्यु के संस्कार सब कर लेता है। तो जिंदा रहते ही वो अपने आप में मृत्युवान हो जाता है, इस शरीर को मार देता है। इसलिए इन संस्कारों से हट करके योग के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन दुर्लभ मार्ग है। उनमें रेयर बहुत से हजारों में, करोड़ों में, अरबों में कोई जा करके इतना बड़ा पराकाष्ठा का योगी बनता है। आइए हम आपको बताते हैं कि एक शोध विद्यार्थी किस तरह योगी बना। सबसे पहले आदित्यनाथ को बाकायदा अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा और जीते जी खुद का श्राद्ध करना पड़ा। और जब महंत अवैद्यनाथ ने हर रूप में योगी के संयम और पुरुषार्थ की परीक्षा ले ली, तब उन्हें योगी की पदवी के लिए दीक्षित किया। योगी परंपरा के मुताबिक योगी बनने के सुपात्र के कानों को नुकीली लकड़ी से फाड़ा जाता है और अगर इस प्रक्रिया के दौरान उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े तो वो योगी नहीं बन सकता। दरअसल ये परीक्षा होती है इंसान के दर्द सहने की क्षमता की। नेपाल और उत्तराखंड में इस तरह के योगियों को कनफड़ा योगी भी कहते हैं। जिन सन्यासियों के कान नहीं फटे होते वो योगी नहीं, अघोरी कहलाते हैं। गुरु गोरखनाथ संप्रदाय में 5-6 साल का बालक वो लेते हैं और 5-6 साल के बालक को लेकर के सबसे पहले जंगल में एक आग होता है, एक धतूरा होता है, आग जिसको कहते हैं, उसकी लकड़ी लेकर के छेदन, उसका कान छेदन कर देते हैं। अगर उसके जरा भी कान में दर्द होता है और वो रो गया तो उसको योगी नहीं बनाते, कहते जा तुझे, तू ये हमारे परंपरा का नहीं हो सकता है। बोलिए, तो ये काफी परीक्षाएं होती हैं जिसमें योगी के रास्ते में जाने के लिए, फिर वो तपोवन का रास्ता है, फिर वो अपने रास्ते पे जाकर के विराट में ही सम्मिलित क्या हो जाएगा, विराट का समग्र का एक रूप हो जाता है और फिर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेत केतु। हालांकि योगी आदित्यनाथ के कान उस रूप में फाड़े हुए नहीं लगते, उनके कानों को छेदा गया है जिनमें धातु के चमचमाते कुंडल आसानी से दिख जाते हैं। योगी की उपाधि धारण करने से पहले 4 और तरह के गुरु होते हैं जो दीक्षा देते हैं, चोटी गुरु, चीरा गुरु, मंत्र गुरु, टोपा गुरु। इन सभी का अलग अलग काम होता है जो बेहद अनिवार्य होता है। पंच गुरु होते नाथ संप्रदाय की परंपरा के अंतर्गत। सबसे पहले चोटी गुरु जो कि उनकी शिक्षा लेता है और तदुपरांत भस्मी गुरु जो कि उनको भभूत का आवरण देता है। तीसरे उनके लंगोटी गुरु जो कि सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य की दिशा की ओर में जो है वो सबसे बड़े उद्देश्य को अपने में दर्शाती है। और चौथे होते हैं कर्ण भेदन गुरु जो कि कर्ण में भेदन करके उसके कानों में यह कुंडल प्रदान करते हैं। आदित्यनाथ जिस योगी परंपरा का निर्वहन करते हैं उसमें शिव और शक्ति के अलावा किसी और रूप की पूजा नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की भी एक प्रतिमा स्थापित करके रखी है जिसकी वो रोज पूजा करते हैं। जानने वाले बताते हैं कि आदित्यनाथ योगी ने हमेशा उगते हुए सूरज के दर्शन किए और इसके लिए नियम से वो 3 बजे सुबह जाग जाते हैं। सोने का टाइम जो भी हो लेकिन जागने का टाइम हमेशा यही रहा। जागने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर योगी 4 बजे योग करते हैं और फिर पूजा शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ में मौजूद हर मंदिर में पूजा करते हैं और सबसे अंत में महंत अवैद्यनाथ के मंदिर में पूजा करते हैं। पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ गौशाला जाते हैं और हर गाय को अपने हाथों से खिलाते हैं। गौशाला में करीब 200 गायें,
आदित्यनाथ सबको प्रेम से चारा खिलाते हैं। फिर हल्का नाश्ता करके योगी सुबह के 8 बजे तक जनता दरबार में पहुंच जाते हैं, जहां उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े हर जाति धर्म के लोग फरियादी बने उनका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पे आए हैं योगी जी के, आए हुए हैं आप लोग? हाँ हाँ। क्यों आए हैं? आए नहीं, बाबा से रोए गायो की मार सुन ले। इनको अपना तकलीफ बताएंगे तो क्या लगता है कुछ कार्रवाई होगा? हाँ कार्रवाई होगी। यहाँ पे आए हम अपनी फरियाद लेके कि जो है हर काम हमारा यहाँ से हो जाता है, हमेशा से यहाँ से हम लोग कोई भी फरियाद लेके आते हैं पूरा होता है वहाँ। लेकिन मुसलमानों से नफरत तो है नहीं, अगर नफरत होते तो लिख देते बोर्ड पर कि मुसलमान नाम मंदिर में। मुसलमानों के लिए कोई रोक टोक नहीं, जो भी होता काम सब काम करते हैं, मुसलमान को वोट भी देते हैं, इनके साथ भी रहते हैं। इनका बहुत अच्छा व्यवहार है कि व्यवहार के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई भी काम लेके आता कोई भी व्यक्ति तो उसका काम होता है। जनता की मुश्किलों का निपटारा करके योगी आदित्यनाथ जरूरी कामों के लिए निकल जाते हैं। शाम को फिर लोगों से मिलते हैं, पूजा करते हैं और रात 10 से 11 के बीच सोने चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का कमरा देखकर ये यकीन करना मुश्किल होता है कि इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति इतने साधारण ढंग से रहता है। दरअसल ये उनकी सादगी नहीं, उनका कर्तव्य है जो योगी होने की वजह से उनको निभाना अनिवार्य है। 5 बार के सांसद जीवन पर योगी धर्म हमेशा हावी रहा और दुनियादारी का हिस्सा होते हुए भी वो हमेशा संत रहे। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि योगी होते कौन हैं, बनते कैसे हैं और वो परंपरा क्या है जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं। भारत के इतिहास की अगर धार्मिक आधार पर समीक्षा की जाए तो गोरखनाथ काल 600 से 1200 ईस्वी के बीच का माना जाता है और गोरखनाथ को ही नाथ परंपरा का पहला गुरु माना जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अलग अलग मान्यताओं में नाथ पंथ के गोरखनाथ से पहले किसी के आगे गुरु शब्द नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ ने ही नाथ पंथ को आगे बढ़ाया था, जिसकी वजह से उनका सम्मान गुरु के रूप में सबसे ज्यादा है। इस्लामिक विद्वान सैयद अहमद अली शाह ने महबूब उत तवारीख में लिखा है कि गोरखपुर किसी समय में सिर्फ घनघोर वन हुआ करता था जिसमें सन्यासी रहा करते थे। गुरु गोरखनाथ ने इसे अपनी तपोस्थली बनाया जिसकी वजह से इसका नाम गोरखपुर पड़ा। यहाँ त्रेता युग में तपस्या किए सर, त्रेता युग तपस्या किए गोरखनाथ जी। हाँ यह स्थान त्रेता युग का है, यह स्थान राम जी भी आए थे, यहाँ राम जी भी आए थे। वहाँ बगल गोरखनाथ जी बगल में राम जी गद्दी है, जो नटराज बोलते नटराज और राम जी गद्दी हैं। अब उसी तपस्या के गोरखनाथ त्रेता युग में तो इसी के नाम से गोरखपुर नाम पड़ा हुआ है। वो लोग नहीं लड़ सकते, लड़ने का जज्बा जिनके अंदर हो वे लोग लड़ पाएंगे। लड़ाई हम एक मिशन के लिए तब भी लड़ने का प्रयास कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद ज्यादातर लोग गोरखपुर को ही नाथ पंथ की योग भूमि मानते हैं, जबकि इनके मठ दुनिया भर में हैं। कठोर साधना, संयम और नियम के बाद जब कोई योगी बनता है तो उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है? एक समाज में किसी योगी या साधक की भूमिका क्या होती है? ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि किसी योगी के राजनीति की ओर रुख करने पर या फिर व्यापार की ओर जाने पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। योगी क्या केवल पूजा पाठ करने के लिए है? क्या जरूरत पड़ने पर वो व्यवसाय या फिर सियासत का रुख कर सकते हैं? यहां हम आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में भी बताना चाहेंगे। वो चाहते थे कि वो पूर्ण रूप से संन्यास धारण करें और ध्यान में लीन हो जाएं, लेकिन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आदेश दिया कि वो ध्यान मार्ग से हटे और समाज की रक्षा में खुद को झोंक दें। अगर हम योगी या सन्यासी को ध्यान से देखें तो वो आध्यात्मिक आवरण के अलावा कोई ना कोई शस्त्र जरूर धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक योगी का परम कर्तव्य आध्यात्म के प्रसार के अलावा धर्म की रक्षा करना होता है और धर्म का मतलब उनके लिए देश की संस्कृति भी होता है। यही वजह है कि अतीत में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें योगी और सन्यासियों ने देश धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पर हथियारों का इस्तेमाल किया। आदिगुरु शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों के लिए अखाड़ा परंपरा शुरू की थी जो आज भी कायम है। इन्हीं अखाड़ों में व्यायाम के साथ शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
इतिहास में दर्ज है कि 17वीं शताब्दी में जब अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर हमला किया, तब हजारों सन्यासियों ने उसका मुकाबला किया और गोकुल की रक्षा की। अगर मौजूदा दौर देखें तो योगियों और सन्यासियों ने अपने दायरों का विस्तार किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी रामदेव हैं, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत योगियों की तरह की और दुनिया भर में योग की अलग जगाई। अष्टा सर्मोंस हमारे एज को, माने हमारी जीवनीय शक्ति को घटा देते। लेकिन उनका मानना है कि देश को आर्थिक रूप से स्वाभिमान के साथ मजबूत करने के लिए उन्होंने स्वदेशी अभियान चलाया और पतंजलि जैसे व्यापार की शुरुआत की, जिसका एक भी पैसा वो अपने स्वार्थ के लिए खर्च नहीं करते। हम अपने स्वयं को पहचाने, इसी का तो नाम है योग। मैं का बोध, मैं कौन हूँ। आप मुझे योगी कहें, मुझे कर्म योगी कहें, और मुझे आप और कुछ भी संज्ञा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई मुझे योगी या माने या ना माने, मैं इसे देश के लिए उपयोगी हूं, ये मैंने करके दिखाया है। और इसे देश को उपयोगी लोगों की आवश्यकता है। ये महज व्यापार है या वाकई देश सेवा का कोई संकल्प, ये समीक्षा का विषय है। लेकिन इतना तय है कि योगियों और सन्यासियों ने अपने दायरों का विस्तार किया है। ये भी सच है कि उन्होंने उसी में अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखा है। योगियों की अद्भुत दुनिया से हम आपका परिचय करा रहे हैं। चलिए अब हिंदुस्तान की सियासत के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी का संन्यास से जुड़ा सिरा आपको दिखाते हैं। से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सन्यास के फकीराना लिबास की जो चाहत बचपन से थी, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अक्सर जुबान पर आ जाती है। एक पल में सब छोड़ देने की बात सिर्फ बात नहीं, सच्चाई है। आरएसएस के प्रचारक बनने से पहले सच में नरेंद्र मोदी ने सब कुछ छोड़ दिया था, घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब कुछ, और ओढ़ लिया था सांसारिक त्याग का गेरुआ वस्त्र। बचपन में हम आरएसएस में जाते थे, वहीं से ट्रेनिंग हुई, बाद में जीवन भी उस दिशा में ले जाने का मेरा प्रयास था। लगभग 3 साल तक नरेंद्र मोदी ने हिमालय से लेकर मठों की खाक छानी और योगी के रूप को आत्मसात कर लिया था। उनकी दिनचर्या वैसी ही हो गई थी जैसी किसी योगी की होती है। परिव्राजक की तरह भटक रहा हूं, और आपको जानकर के शायद हैरानी होगी, मैंने करीब करीब 45 साल तक भिक्षा मांग करके खाना खाया है। एक दिन उनकी तलाश उन्हें वेल्लूर मठ ले गई, जहां गुरु आत्मास्थानंद ने नरेंद्र मोदी को योग पथ से हटकर कर्म पथ पर चलने की सलाह दी, और नरेंद्र मोदी वापस गुजरात लौट आए देश सेवा के संकल्प के साथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी अपने आध्यात्मिक गुरु की बात भूले नहीं, और उनकी अंतिम बेला में जब उनसे मिले तो समाज के कमजोर तबके की मदद का वादा कराए। वैसे भी सन्यास का अर्थ होता है समन्यास, यानी संसार में मौजूद हर चीज के साथ समानता का भाव। सन्यास का रास्ता इतना कठोर होता है कि हर कोई उस रास्ते पर नहीं चल सकता, पर क्या वजह है कि इस रास्ते को इतना दुर्गम बनाया जाता है? सन्यास का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से सक्षम या पवित्र होना ही नहीं होता, बल्कि उसके लिए मन वचन कर्म तीनों से पवित्र होना जरूरी है। सिर्फ सन्यासी या योगी की ही बात नहीं, अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और विचार सात्विक।
सोचिए जरा, जब सामान्य व्यक्ति नींद की सबसे गहरी अवस्था में होता है, तब ये योगी सन्यासी जागने लगते हैं नींद का मोह त्याग कर। योग, जैसे मैंने बताया था कि एक तरीका है जिससे कि मन, शरीर और आत्मा का समन्वयता बनाए। योग जीवन की आंतरिक स्थिति का नाम है, अर्थात भगवान का भक्त से मिलना ही योग है, मन का आत्मा से मिलना ही योग है, और मन का आत्मरूप होना ही योग है। योगी जो योग को धारण किया हुआ हो, जो योग के अनुसार जीवन जी रहा हो, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, जो चित्तवृत्तियों का निरोध कर ले, अर्थात सुखे दुखे संभूत्वा, सुख दुख में जो समत्व स्थिति हो जाए, यही योगी है। सुबह के तीसरे प्रहर में वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसके सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहा गया है। वैज्ञानिक आधार भी यही कहता है कि सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन कम होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। हमने योगी जीवन के हर पहलू को जानने की कोशिश की, जिसमें हमारे सामने अहम सवाल आया कि क्या योगी या सन्यासी का परिवार होता है? क्या किसी भी रूप में कोई योगी गृहस्थ जीवन बिता सकता है? अगर नहीं, तो एक योगी अपनी विरासत कैसे आगे बढ़ाता है? दरअसल कोई भी व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में है, वो एक दिन संन्यास धारण करके योगी तो बन सकता है, लेकिन योगी बनने की शर्त ही हर बंधन से मुक्ति होती है। लिहाजा संन्यास धारण करने के बाद अगर वो गृहस्थ जीवन अपनाता है तो वो ऋषि हो सकता है, लेकिन सन्यासी या योगी नहीं। यही वजह है कि कोई भी सर्वोच्च योगी जब महंत बनता है तो वो अपने आश्रम में किसी सुयोग्य शिष्य को इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए चुनता है और उसको प्रशिक्षित करता है। ये अनादि काल से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा स्वयं आदिनाथ जी के द्वारा ही प्रारंभ हुई, जिसका निर्वहन आज दिन तक इस संसार में होता चला आ रहा है। गुरु ही अपने शिष्य में से एक सदचरित्र, सदविचार और सत्कार्यों में संलिप्त रहने वाले योगी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। एक योगी या सन्यासी जब अपना घर छोड़ता है तो वो फिर कभी घर वापस नहीं लौटता। उसकी पहली शर्त यही होती है कि उसे न सिर्फ अपना घर परिवार बल्कि अपनी जाति का भी परित्याग करना होगा। और योगी की परंपरा का हिस्सा बनने वाला हर सन्यासी जाति धर्म के बंधनों से मुक्त होता है। योगी आदित्यनाथ का आश्रम भले ही हिंदू धर्म की पताका फहराता हो, लेकिन उसमें भेदभाव किसी से नहीं किया जाता। मंदिर में होने वाले हर निर्माण की जिम्मेदारी यासीन अंसारी वर्षों से देखते आए हैं। हिंदू सेवा आश्रम बनवाए हैं, संस्कृत विद्यापीठ बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, सामान्य जो दुकानें हैं बनवाए हैं, सब कटरा बनवाए हैं, बाहर की बाउंड्री चारों तरफ बनवाए हैं, और मंदिर चार बनवाए हैं, पांच मंदिर बनवाए हैं, राधा कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, बाल देवी और एक दुर्गा जी का मंदिर, एक बड़े महाराज जी की समाधि, ये सब टोटल मेरा बनवाया। हमसे तो नहीं नफरत करते, अगर हमसे नफरत करते तो हमको क्यों इतने बड़े कार के लिए रखते? हमें तो नहीं कभी कोई इस तरह की दिक्कत आई है। मैं तो चाहे जाओ कमरे में रहें, भोजनालय में रहें, चाहे मंदिर कहीं भी, हमको न कोई प्रॉब्लम आज तक हुई है। चाहे हम मंदिर के गर्भगृह में जाएँ, उनके भोजनालय में जाएँ, उनके बेडरूम में जाएँ, कहीं भी जाएं, हमको तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके अलावा सामाजिक छुआछूत को मिटाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ ने 1993 में पटना के महावीर मंदिर में दलित को पुजारी नियुक्त कराया था। अपने जीवन काल में वो बनारस जाकर कई बार डोम राजों के साथ भोज में शामिल हुए। ये सारी कवायद योगी परंपरा के रूप को दर्शाती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि साधु, योगी, सन्यासी, जब हम ये कहते हैं तो हम एक ही तरह के लोगों का जिक्र कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। हाँ, इनका लक्ष्य एक ही होता है, इनका रास्ता भी कमोवेश एक सा है, लेकिन बहुत फर्क है इन तीनों में। हिंदू पवित्र ग्रंथ भागवत में संत का अर्थ पवित्रता से लगाया गया है। कई परिभाषाओं के हिसाब से संत वो होता है जो मन से शांत हो।
फिर वो राजनीति में हो, व्यवसाय में, आध्यात्म में, वो हर रूप में निश्चल होकर अपना काम करता है। साधु का सीधा सीधा अर्थ होता है साधक, यानी जीवन के हर रूप में साधना को महत्व देने वाला। ये समाज का हिस्सा होते हुए भी उससे खुद को दूर रखते हैं और एकांत को महत्व देते हैं। योगी का मतलब आध्यात्मिक होते हुए भी सिर्फ धर्म की रक्षा नहीं बल्कि मानव समाज की रक्षा करना। ये भेदभाव से परे होते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं और सांसारिक दायित्व निभाते हुए भी सांसारिकता से दूर होते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद अपने सरकारी आवास को आश्रम में बदलवा दिया। उन्होंने अपने आवास को वैदिक रूप से पवित्र कराया ताकि वो एक योगी के रहने लायक बन जाए, क्योंकि इससे पहले इसमें गृहस्थ अखिलेश यादव रहा करते थे। उन्होंने आवास में ही अपने प्रिय गायों को भी बुलवा लिया है। वो तो खुद बताएंगे कि किसको किसको जाना है, लेकिन यही इसी में से जाने वाली। हाँ, ये इसी में से जाएंगे, गुजरात की जो नस्ल है वही जाएंगे। योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं है जो राजनीति में आए, ऐसे योगी सन्यासियों की फहरिस्त लंबी है। अगर मौजूदा दौर की राजनीति पर ही नजर दौड़ाई जाए तो गंगा मंत्री उमा भारती का सन्यास और सियासत के बीच का लंबा इतिहास है। उमा भारती 6ठी बार सांसद बनी है, वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। इसी तरह मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री निरंजना ज्योति है, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सांसद है और साध्वी के नाम से प्रसिद्ध। इसी कड़ी में साक्षी महाराज हैं, जो 4थी बार सांसद बने हैं। साक्षी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर श्री निर्मल अखाड़ा की उपाधि रखते हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। राजस्थान के सीकर से सुमेधानंद सरस्वती और अलवर के सांसद महंत चांदनाथ भी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रखते हैं। हजारों साल पहले जब योगियों और सन्यासियों के पंथ और संप्रदायों की स्थापना की गई होगी, तब समाज के मौजूदा रूप की कल्पना नहीं की गई होगी। इसकी वजह से योगियों और सन्यासियों के काफिले से निकलकर अगर कोई सत्ता या कारोबार की दुनिया में कदम रखता है तो बहस छिड़ जाती है। उनको देखते ही श्रद्धा से सर झुक जाता है, लेकिन साथ ही सामने एक सवाल उठ खड़ा होता है कि वो कौन है, कहां से आए हैं, कहां चले जाते हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की जब हमने कोशिश की तो एक पूरी की पूरी सभ्यता सामने बिखरी थी। उनका उद्देश्य वही होता है जो एक योगी का होता है, सनातन धर्म की रक्षा के साथ मानव कल्याण की कामना और प्रभु आराधना। लेकिन उनका जीवन किसी अदृश्य शक्ति की तरह होता है, वो कुंभ या अर्धकुंभ जैसे खास मौकों पर दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन वो कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, इस सवाल का जवाब आध्यात्म की एक और तस्वीर बनाता है। आसमान चादर, धरती बिछौना और चिता की भस्म वस्त्र, इसके अलावा दुनिया में किसी से न कोई मोह न किसी माया का प्रलोभन, यही तस्वीर होती है नागा सन्यासियों। किसी योगी की तरह ही नागा सन्यास धारण करना आसान नहीं होता। इस दुनिया में शामिल होने से पहले काफी कड़े नियमों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो भी व्यक्ति नागा सन्यासी बनने आता है उसे मानसिक नियंत्रण और ब्रह्मचर्य की कठिन परीक्षा देनी होती है। उसे पार करने के बाद उसे खुद अपना श्राद्ध करना होता है। 17 या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नागा संसार में शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद उसका सांसारिक नाम खत्म कर दिया जाता है और गुरु जो नया नाम देते हैं, तमाम उम्र वही नाम उसकी पहचान बनता है। नागा सन्यासियों में हर तरह के बंधन से मुक्ति को सर्वोपरि माना गया है। इसकी वजह से ये शरीर पर एक भी वस्त्र धारण नहीं करते, सिर पर या तो एक भी केश नहीं रखते या पूरी जटा रखनी होती है। ये सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। पुराने समय में सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी और इन मठों की रक्षा के लिए योद्धाओं की एक सेना तैनात रहा करती थी। नागा साधु उसी सेना के कमांडो हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब सनातन धर्म के अस्तित्व पर संकट आएगा तो उसकी रक्षा के लिए ये नागा साधु ही आगे आएंगे।
देखिए, नागा साधु की जो शुरुआत की थी वो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने की थी, जिस समय भारत में बुद्धिज्म में भी कुरीतियाँ आ गई थी। जब जब महापुरुष आते हैं उनके जाने के बाद उनके बनाए हुए मार्ग पे अक्सर कुरीतियाँ आ जाती हैं। उन्होंने उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए एक फौज बनाई थी, एक सेना बनाई थी जो एक नागा साधुओं की सेना थी। क्योंकि समाज को जब भी रिफॉर्म किया, जब भी ट्रांसफॉर्म किया, सोशल रिफॉर्मर्स राजाओं और इन लोगों ने किया। इस समाज को जो रिफॉर्म किया वो उन लोगों ने किया जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की इच्छाओं से ऊपर थे। संसार से कोई संबंध न रखने की वजह से ये सिर्फ कुंभ या अर्ध कुंभ के पवित्र अवसर पर ही नजर आते हैं और इन समारोहों के खत्म होने के बाद वापस हिमालय की कंदराओं में लौट जाते हैं। देखिए, बहुत सारे मठ हैं और बहुत सारे अखाड़े हैं जहां से वो आते हैं और वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। नागा साधु जीते जी अपना पिंडदान खुद कर चुके होते हैं, लिहाजा इनकी मौत का कोई अर्थ नहीं होता और उनके शरीर को पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। योगी वो है जो समाज और संस्कृति का रक्षक है। योगी का अर्थ ये भी होता है वो जो जोड़ता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।